बट जब बारी करने की आई तब मेरी लाइफ में एक वर्ड की एंट्री हुई, यू नो वन वर्ड, बट। लेकिन किंतु परंतु फैमिली के कुछ मेंबर ने कहा कि क्या करना है, पढ़ के काफी स्टडी होगी है, एज भी होने वाली है, एक दो साल के बाद शादी कर देंगे। कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि बस मैं फर्स्ट डे आई हूँ और यही मेरा लास्ट डे है। सर पहले से काफी अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करते हैं, लेकिन मुझे वो सब नहीं आता था। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आई थिंक यू नो ऑल अबाउट मी, बट वंस मोर आई रिपीट माई इंट्रोड्यूस। दिस इज गजाला शाह, बिलोंग टू फ्रॉम भैंसरेरी मुजफ्फरनगर। फर्स्टली आई एम वेरी थैंक्सफुल टू माई रिस्पेक्टेड सर, मिस्टर आलम सर। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। गाइज, I did my graduation and I want to be a doctor and I believe in Allah that definitely I will be a doctor in my life, inshallah summa inshallah. But guys, you know, सोचने में, कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इस चीज़ के लिए मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी बताना चाहूँगी, दैट जब मैं छोटी थी ना, When I was in my childhood, तब मैं सोचती थी कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं सबसे कहती थी that I will be a doctor. But जब बारी करने की आई तब मेरी लाइफ में एक वर्ड की एंट्री हुई, यू नो वन वर्ड, बट। लेकिन किंतु परंतु जब इस वर्ड की एंट्री आपकी लाइफ में होती है ना, तो इंसान और उसकी लाइफ हिल जाती है। सेम वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मुझे लगा कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी, बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ फैमिली इश्यूज, फैमिली के कुछ मेंबर ने कहा कि क्या करना है, पढ़ के काफ़ी स्टडी होगी है, एज भी होने वाली है, एक दो साल के बाद शादी कर देंगे। कुछ को लगा कि पढ़ा तो देते हैं पर डॉक्टर बनने में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन वो मेरी फैमिली थी तो मैं भी उनकी बेटी थी। मैंने भी डिसाइड किया था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं इंशाल्लाह करूंगी, जरूर करूंगी। एंड राइट नाउ और अब बस मेरी सक्सेस की डिग्री मेरे इतने पास है, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह एक दिन वो मेरे हाथ में ज़रूर होगी। बस कुछ ही दो चार दिन की बात है, मैं अपने ड्रीम की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप लेना चाह रही हूँ। सो बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आप मेरे लिए दुआ करें प्लीज़। एंड चाहूँगी कि आप सभी अपने अपने गोल में सक्सेस हों। और एक बात, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फैमिली को साइड करो, दोस्तों को साइड करो और सारे इश्यूज को साइड कर दो। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है ना, तो रुकावट ये लेकिन किंतु परंतु कितने भी आए, आप सबके सामने ढेर हो जाएंगे अगर आपका गोल स्ट्रोंग है तो। मेरा बस एक ही मानना है, मैंने अपनी लाइफ को एक ही वर्ड दिया है कि रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। मेरे हौसले भी तो जिद्दी हैं। जब मैं यहाँ पे आई तब इतना, जितनी फैसिलिटी अभी आप सबको मिल रही है उतना नहीं थी, पर मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि बस मैं फर्स्ट डे आई हूँ और यही मेरा लास्ट डे है।
ये लगा मुझे, क्योंकि सर पहले से काफ़ी अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करते हैं, लेकिन मुझे वो सब नहीं आता था। सच बोल रही हूँ, आप सब बोलते हैं, पर मैं भी यही बोल रही हूँ कि मुझे भी कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, अपने घर पे भी ट्यूशंस करा रही हूँ, यहाँ तक कि अपने से बड़े एज को भी मैं एडवाइस दे सकती हूँ, बता सकती हूँ कि अगर वो अपने लाइफ से, अपने गोल से हट रहे हैं, तो उनको भी एडवाइस दे सकती हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सब ऐसे नहीं मिला है मुझे, आलम सर ने सिखाया सब कुछ। काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है, उसके बाद मैं चली गई थी, फिर ग्रेजुएशन हुई है और फिर से मैं यहाँ पे आई हूँ इंग्लिश सिखाने के लिए और कंप्यूटर कराने के लिए। जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरा यहाँ पे गोल था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इतना पुअर हो गया कि सोचा बन ही नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर से सर ने मुझे ऑफर किया कि मैं यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करूँ, अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करूँ, अपनी जैसी कुछ और लड़कियों को उसके लिए प्रिपेयर करूँ, जो बनना तो कुछ चाहती हैं लेकिन उनके पास स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इतना पीछे जाने के बाद जो मैं इतना ऊपर आई हूँ, आप सब में अगर ऐसा कोई है जो कुछ बनना चाहता है लेकिन किसी इश्यूज की वजह से रुके हुए हैं, सो प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा मत करना, अपने आप को और अपने गोल को हमेशा सबसे आगे रखना।